वेलकम बैक ऑल ऑफ यू. दिस इज माई सिक्स वीडियो रिलेटेड टू क्लास 12 चैप्टर नंबर 2, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग. स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी studied about the private form of company and the second one is public form of company. In the previous session, we have studied about the definition of joint stock company and the various characteristics of joint stock company. Now, friends, we are study about the private company and public company. ये हमारे लिए जानना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों के बारे में. हमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, यदि हम फॉर्म चूज करना चाहते हैं कि हमें कंपनी फॉर्म बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हम कौन सा फॉर्म स्टार्ट करें, तो हमें बेसिकली पहले इनके बारे में पता होना चाहिए कि किस कौन से फॉर्म को हम प्राइवेट कंपनी बोलेंगे, किसको हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी. यदि हमें ये डिफरेंसेस पता है तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम प्राइवेट कंपनी चूज करें या पब्लिक कंपनीज चूज करें. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बेसिकली प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी किसे कहा गया है? यदि मैं मेंबर्स की बात करूं, जो मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर्स हैं, यदि मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है और पब्लिक के लिए. तो जैसा कि हमने देखा था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तभी हमने देख लिया था मेंबर्स के बारे में. तो सबसे फर्स्ट है, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए? 2. और मैक्सिमम कितने चाहिए? 50 में कौन से मेंबर्स एक्सक्लूडेड है? एक्सक्लूडेड इट्स एम्प्लॉइज. एम्प्लॉइज को कंसिडर नहीं किया है. तो सबसे फर्स्ट प्राइवेट कंपनी के लिए यदि मैं बात करूं, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करूं, तो मुझे प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी तो मिनिमम मुझे 2 मेंबर्स चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स 50. यदि मैं प्राइवेट कंपनी के बाद में बात करूं पब्लिक कंपनी, यदि पब्लिक कंपनी को मुझे स्टार्ट करना है तो उसके लिए मैं मेंबर्स की बात करूं तो कितने चाहिए? ये मैं यहाँ पे पब्लिक कंपनी का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बता रही हूँ. हैज मिनिमम 7 पीपल टू कमेंस विद नो अपर लिमिट्स टू मेंबरशिप. मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए? 7. और मैक्सिमम मेंबर्स, उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है. तो यदि सपोज कीजिए मेरे माइंड में स्टार्ट हो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है, और यदि मेरे मेंबर्स 2 या 3 हो पा रहे हैं, तो उस केस में मैं पब्लिक कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ. मुझे क्लियरली पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रिक्वायर्ड है. सेकेंड में बात करूं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. हमने ऑलरेडी पढ़ा था, मैंने इस टॉपिक के अंदर भी बता दिया था कि हम जो शेयर्स हैं, कंपनी के शेयर्स हैं, उनको हम एक ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ केस, लेकिन यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस के बारे में भी हमने पढ़ा था. तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की. रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. बेसिकली हम देखें प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स इशू होते हैं, वो बेसिकली उसके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, इन लोगों को इशू करते हैं. और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होता है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं है. दैट मीन्स हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. जिस पर्सन ने उसके शेयर परचेज किए हैं, वो शेयर्स उसी के हैं. लेकिन पब्लिक कंपनी की बात करें, पब्लिक कंपनी के अंदर हम शेयर्स को इजीली एक पर्सन से दूसरे पर्सन के को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं. तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में क्या बोला है? रेस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है पब्लिक कंपनी में? डज नॉट रेस्ट्रिक्ट एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर. दैट मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. यदि किसी पर्सन को रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो वो शेयर मार्केट्स की हेल्प लेके उन शेयर्स को सेल कर सकता है. थर्ड बात करें, थर्ड जो पॉइंट गिवन है प्राइवेट कंपनी में, प्रोहिबिट्स एन इनविटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी और एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट्स फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स डायरेक्टर्स, मेंबर्स और रिलेटिव्स. देख, सबसे पहले जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है वो है कि प्राइवेट कंपनी है,
वो पब्लिक से शेयर्स, पब्लिक जो होती है जनरल पब्लिक, उनको अपने शेयर सब्सक्राइब नहीं करती है। बेसिकली जो शेयर सब्सक्राइब करती है वो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, क्लोज वन को सब्सक्राइब करती है, मतलब इशू करती है। तो सेकंड फर्स्ट जो थिंग है जो यहाँ पे समझ में आ रही है मुझे, प्रोहिबिट्स एन इन्विटेशन टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक को प्रोहिबिट करती है कि वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। यदि कोई डिपॉजिट्स, यदि लोन भी चाहिए तो वो जो लेगी वो भी उसके डायरेक्टर मेंबर्स और रिलेटिव से लेगी, जनरल पब्लिक को लोन लेने के लिए भी इनवाइट नहीं करेगी। दैट मीन्स कि जनरल पब्लिक से वो लोन नहीं ले सकती। यदि मैं बात करूँ यहाँ पे पब्लिक कंपनी की डिफरेंसेस की बात करूँ, तो यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो है इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट। जैसा कि हमने देखा कि प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी है उसमें हर कोई भी पर्सन उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकता है। क्यों क्यों कर सकता है? क्योंकि जो पब्लिक कंपनी है वो इन्वाइट करती है पब्लिक को कि वो उसके शेयर्स ले, डिबेंचर्स ले, या फिर जो उसकी पब्लिक डिपॉजिट्स हैं उनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थर्ड पॉइंट देखा। फोर्थ पॉइंट हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीज। यहाँ पे बोला गया हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। पेड अप कैपिटल की बात करें, कैपिटल दैट मींस जो कंपनी के फंड है कंपनी के पास में उसकी बात करें, तो हम यहाँ पे बात करें कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो जो पीपल है, जो उसके रिलेटिव्स हैं या जो भी उसके क्लोज वन है उस कंपनी से रिलेटेड, वो मिनिमम यदि 1 लाख रुपीज की पेड अप कैपिटल यदि अरेंज हो गई है तभी हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट नहीं करेंगे। और हम बात करें नेक्स्ट हैज ए, यदि पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम पेड अप कैपिटल जो हमको लोगों से रिसीव होगी, जो पीपल से रिसीव होगी जनरल पब्लिक से, वो होगी 5 लाख रुपीज। तो प्राइवेट कंपनी के लिए कितनी पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है? 1 लाख। और पब्लिक कंपनी की बात करें तो 5 लाख। अब बात करें फिफ्थ, uses the word private limited at the end of its name, मतलब कहने का मतलब है private company के लिए ये compulsory है कि वो अपने name के आगे जो भी company का name है उसके आगे लगाए private limited company, और क्योंकि ये उसको differentiate करती है। मैं यदि किसी company में जाऊंगी तो मुझे बिल्कुल भी idea नहीं लगेगा कि ये private company है public company है, तो मैं उसके जो name है उससे identify कर सकती हूँ, differentiate कर सकती हूँ कि हाँ this one is private limited and the this one is public limited, क्योंकि private limited के लिए तो जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए तो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी है। और यदि हम बात करें पब्लिक कंपनी की, पब्लिक लिमिटेड की, तो उसको लिमिटेड, ओनली लिमिटेड वर्ड यूज करना है एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो प्राइवेट कंपनी को क्या यूज करना है? प्राइवेट लिमिटेड। और जो पब्लिक कंपनी है उसको क्या यूज करना है? लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। तो हमने यहाँ पे जो डिफरेंसेस है इसके अंदर टोटल 5 डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में। यहाँ पे हमने टोटल 5 डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे स्टडी किया है। सबसे फर्स्ट डिफरेंसिएशन क्या है? मेंबर्स की बात करें तो प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट। यदि हम बात करें रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो प्राइवेट कंपनी क्या करती है? रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, जबकि पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं करती है। यदि हम बात करें प्रोहिबिशन इन्विटेशन ऑफ शेयर, तो प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है? जनरल पब्लिक को प्रोहिबिट करती है, मना करती है इन्विटेशन ऑफ शेयर्स, लेकिन पब्लिक कंपनी ऐसा नहीं करती है। यदि हम मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात करें, तो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 लाख है, जबकि पब्लिक कंपनी को मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी जो अपने नेम के आगे वर्ड प्राइवेट लिमिटेड यूज करेगी, जबकि पब्लिक कंपनी क्या यूज करेगी? ओनली लिमिटेड। पर्टिकुलर कंपनी जस्ट लाइक अपन बात करें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रही है कि ये पर्टिकुलर कंपनी पब्लिक कंपनी है। बहुत सारे एग्जाम्पल है, BSNL, MTNL, बहुत सारी कंपनीज है, भारतीय संचार नगर निगम लिमिटेड, तो ये एक बात करें ये है लिमिटेड कंपनीज। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड यूज करना है और पब्लिक कंपनी को पब्लिक लिमिटेड, ओनली लिमिटेड वर्ड यूज करना है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हमने जो सबसे फर्स्ट पार्ट देखा है वो है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। अब स्टूडेंट्स, हम जो मूव कर रहे हैं वो है
जो नेक्स्ट टॉपिक उसकी बात करें वो है व्हाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल। यदि हम दोनों कंपनीज की बात करें, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की, तो हम यहाँ पे देखेंगे प्राइवेट कंपनी क्यों ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, क्यों ज्यादा डिजायरेबल होती है इन कंपैरिजन टू पब्लिक कंपनी। तो यहाँ पे हम देखेंगे उन्हीं जो रीजन हमने जो डिफरेंसेस पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं कि व्हाई प्राइवेट कंपनी इज मोर डिजायरेबल। तो यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, ओनली टू मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। सबसे फर्स्ट तो है कि मुझे मेंबर्स ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली टू मेंबर्स यदि होंगे मुझे मेरे पास हैं तो मैं प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ। सेकंड है ओनली टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। जो डायरेक्टर्स हैं हमने ऑलरेडी देखा था कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है कि जो शेयर होल्डर्स हैं जो मेंबर्स हैं उनके वो सारा मैनेजमेंट और मेंबर्स दो डिफरेंट आइडेंटिटी होती है कंपनीज के केस में, और शेयर होल्डर्स अपने बिहाफ पे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो उस शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी में डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड जो पॉइंट देखें वो है ओनली टू डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द कोरम टू वैलिडेट द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। जो भी प्रोसीडिंग है मीटिंग से रिलेटेड उनको वैलिडेटेड मतलब उनको लीगल करने के लिए मिनिमम ओनली टू डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मतलब मेंबर्स भी टू रिक्वायर्ड है और डायरेक्टर्स भी टू रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम बात करें कि नेक्स्ट थिंग क्या है उसकी बात करें तो यहाँ पे है सच कंपनी कैन फाइल ए स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो दैट मीन्स ये जो थर्ड थिंग है वो ये है सुटेबिलिटी के अंदर कि ये कंपनी रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में स्टेटमेंट इन लियो ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई कर सकती है, फाइल कर सकती है। फोर्थ वन है इट कैन कमेंस बिजनेस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। दैट मीन्स प्राइवेट कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेशन होगा उस कंपनी का, दैट मीन्स इनकॉर्पोरेट होगी वो कंपनी जैसे ही, तो वैसे ही बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट वो लेना जरूरी है। यदि वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक पब्लिक कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं करती है। लेकिन यदि मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूँ तो जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई वो उसी टाइम एट दैट टाइम से वो क्या कर सकती है, बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है। फिफ्थ जो पॉइंट है वह होल्डिंग ए स्टैट्यूटरी मीटिंग और फाइलिंग ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड बाय प्राइवेट कंपनी। स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना पड़ेगा और फाइलिंग ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या करनी पड़ेगी, उसको फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है जो सिक्स पॉइंट है सुटेबिलिटी में वो है ए नॉन मेंबर कैन नॉट इंस्पेक्ट द कॉपीज ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिल्ड विद रजिस्ट्रार। ये हम एक और पॉइंट पढ़ रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो पब्लिक कंपनी है उसके जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बात करें हर कोई चेक कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है। इवन पब्लिक कंपनीज को टाइमली अपनी जो बैलेंस शीट्स है वो न्यूज़पेपर है या वेरियस मैगजीन्स है उनमें पब्लिश करनी पड़ती है, शो करनी पड़ती है। तो दैट मीन्स हर कोई पब्लिक कंपनी में उनके पी एंड एल बैलेंस शीट को ईजिली चेक कर सकता है। लेकिन यदि हम बात करें प्राइवेट कंपनी की तो प्राइवेट कंपनी में कोई ये कैन नॉट इंस्पेक्ट, कोई भी इंस्पेक्ट नहीं कर सकता है उनकी बुक्स को कि क्या प्रॉफिट अर्न किया है, क्या उसकी बैलेंस शीट है। सेवेंथ, लिमिट ऑन पेमेंट ऑफ मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो मैनेजर्स हैं उनको मैनेजरियल रेम्यूनरेशन मिलता है, तो पब्लिक कंपनी में मैनेजरियल जो रेम्यूनरेशन है उसके ऊपर लिमिट लगाई भी होती है कि इससे ज्यादा आप किसी मैनेजर को, किसी भी जो मेंबर है उसको, जो भी रिलेटेड टू द इंटरनल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड किसी को भी पर्सन को आप इससे ज्यादा मैनेजरियल रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते हो पब्लिक कंपनी में। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें एट्थ, रेस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई। हम देख रहे हैं पब्लिक कंपनी के अंदर जो अपॉइंटमेंट है, रीअपॉइंटमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी है रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि मतलब हाँ आप तभी अपॉइंट कर सकते हो या ऐसी सिचुएशन होगी तभी रीअपॉइंट कर सकते हो डायरेक्टर्स को, तो ये ऐसे रेस्ट्रिक्शंस प्राइवेट कंपनी में नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करें, मेंटेनिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ मेंबर्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाय ये प्राइवेट कंपनी। बेसिकली इंडेक्स ऑफ मेंबर्स की बात करें तो सारी डिटेल्स होती हैं जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनके बारे में सारी डिटेल मेंशन होती है इसके अंदर। तो ऐसा प्राइवेट कंपनी को जो इंडेक्स ऑफ मेंबर्स है वो मेंशन करने की रिक्वायर्ड नहीं है, मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स का मीनिंग है जो मिनिमम शेयर्स चाहिए होते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स मिनिमम जो नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए होते हैं एक डायरेक्टर्स को, तो वो जो क्वालिफिकेशन शेयर्स है वो वो प्राइवेट कंपनी को के डायरेक्टर्स को होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टर्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी नीड नॉट हैव क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो यहाँ पे हमने देखा ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और साथ में ये बता रहे हैं कि हाँ इन फॉर्म में ये जो प्राइवेट कंपनी है वो बहुत ज्यादा सुटेबल है इन कंपैरिजन टू द पब्लिक कंपनी। यहाँ पे हम देखें, द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज शोन फिनोमेनल इंक्रीज इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इन द 20th सेंचुरी। तो हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली जो इंक्रीज हो रहा है ये प्राइवेट कंपनी है या जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसका ट्रेंड धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लोग इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को क्या कर रहे हैं, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देख रहे हैं हम यहाँ पे, वो है सुटेबिलिटी। कब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हमें सुटेबल है। पहले हमने देखा था कि प्राइवेट जो फॉर्म है, प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, उसमें से कौन सा हमारे लिए ज्यादा सुटेबल है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे अदर फॉर्म है जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, तो कब हमारे लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऑप्शन चूज करना बेटर होगा। तो यहाँ पे हम ये सुटेबिलिटी के थ्रू रीड कर रहे हैं, on comparing the advantages and limitation of company form of business, it is suggested that an entrepreneur should choose this form provided his her. सबसे first, venture is heavy and basic industry type. जो venture है business enterprises है वो basically heavy and basic industry type होना चाहिए। second है large scale operations are involved. जो operation है, जो business operation है वो बहुत large level पे होने चाहिए। थर्ड है बिजनेस रिक्वायर ह्यूज फंड, जो बिजनेस में फंड की रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स वो फंड मिनिमम जो बोले मैक्सिमम 50% है या 2-4% है, वो उतना फंड अरेंज नहीं कर सकते, बहुत मिलियन बिलियन ट्रिलियंस में फंड चाहिए, तब हमें इस फंड की इस फॉर्म की जरूरत होती है। नेक्स्ट है एंटरप्राइजेस इन्वॉल्व हैवी रिस्क, यदि बहुत रिस्क है किसी बिजनेस में तब भी ये फॉर्म सुटेबल रहता है, क्योंकि जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। और लास्ट हम बात करें, एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड, बैंकिंग हैवीली अपॉन एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स, दैट मीन्स जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें एक्सपर्ट्स एंड प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है, तब भी हमारे लिए ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारे लिए सुटेबल रहता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस वीडियो के अंदर देखा वो है डिफरेंसेस बिटवीन प्राइवेट जॉइंट प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। उसके बाद में हमने देखा सुटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, सुटेबल का भी हमारा सुटेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी हमारे लिए कब सुटेबल है, कब हम प्राइवेट कंपनी से ज्यादा पब्लिक कंपनी को प्रेफर करें। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट हमने इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर का देखा है वो है सुटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कब हमारे लिए प्राइवेट सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, उसमें से कब हमारे लिए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चूज करना ज्यादा बेटर है। तो हमने यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स के थ्रू हमने यहाँ पे इसके देखा। मैं आप उससे स्टूडेंट्स आप उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इन पॉइंट्स को एक बार सेल्फ रीड करें, अंडरलाइन करें, रिवाइज करें, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको क्वेश्चन मार्क करें, ताकि स्कूल्स रीओपन के टाइम पे या अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस में हम डिस्कस कर सकते हैं, ताकि आपके टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए आपकी, आप अच्छा से क्लियर हो पाए, आपको ये टॉपिक्स
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। आगे हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि जो वेरियस रजिस्ट्रेशन रिलेटेड फॉर्मेलिटीज, हमें जो कंपनी को रजिस्टर कराना है तो बहुत सारी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होगी, उन फॉर्मेलिटीज को हमको फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ये वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स।